ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी यूपी सरकार, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग गठित करने का भी फैसला लिया गया है। सीएम ने कहा कि टेस्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण देगी सरकार, ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ होने पर ही चुनाव होगा। हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के बगैर निकाय चुनाव के लिए कहा है। फिलहाल कानूनी पहलुओं पर अब विचार के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का फैसला लिया जाएगा, जाने का फैसला लिया जाएगा। ओबीसी आरक्षण पर यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। योगी सरकार की ओर से ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग गठित करने का भी फैसला किया गया। इस पर सीएम योगी ने कहा कि टेस्ट के आधार पर सरकार ओबीसी आरक्षण देगी, जबकि ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ होने पर ही चुनाव करवाए जाएंगे। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के बगैर निकाय चुनाव करवाने के लिए कहा है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण नहीं होगा, ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटें जनरल होंगी। यूपी में जल्द होगा निकाय चुनाव। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग बनाने का निर्देश। 12 दिसंबर को जारी सरकार का नोटिफिकेशन ड्राफ्ट खारिज। कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट के बगैर ओबीसी को आरक्षण नहीं देने का फैसला सुनाया। अब सरकार की ओर से इसी ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग गठित करने का फैसला हुआ। अब आपको बताते हैं कि ट्रिपल टेस्ट क्या है। निकायों के पिछड़ेपन की प्रकृति का आकलन, निकायों के जरिए ओबीसी की संख्या का परीक्षण, सरकार की ओर से ओबीसी से जुड़े आंकड़ों का सत्यापन, सरकार की दलील 2017 में हुए ओबीसी के सर्वे को आरक्षण का आधार माना जाए। हाईकोर्ट ने कहा ओबीसी को बगैर आरक्षण के तुरंत चुनाव कराए। अब आ गई योगी सरकार का सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। और देखिए, जब से ये खबर आई है तब से विपक्ष बीजेपी पर और यूपी सरकार पर हमलावर है। ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद से यूपी में सियासी आरपार शुरू हो गई है। यूपी में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर अब सियासत भी गर्मा गई है। सूबे में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फैसला आते ही योगी सरकार पर निशाना साधा। अभी तक तो हम लोग नौकरी के लिए चिल्ला रहे थे कि नौकरियों में आरक्षण छीना जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था उस सपने को तोड़ रहे हैं। सब प्राइवेट कर रहे थे, कंपनियां एक एक करके बेच रहे थे। अगर सब सरकारी कंपनियां बिक जाएंगी, नौकरियां नहीं निकलेंगी तो अंतर्गत आरक्षण खत्म। और यहाँ तो दिखाई दे गया आप। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, जो समाजवादी पार्टी के जो नेता इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, उन्हीं के रिश्तेदार इस रिट को लेकर के आए थे जिससे समय से चुनाव न हो, जिससे पिछड़े वर्ग को आरक्षण देते हुए चुनाव कराए जा रहे थे, वह चुनाव कैसे रोका जाए यह सारी साजिश सपा खेमे की, चूंकि वह चुनाव को उनकी कोई तैयारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार थी, तो वह तो स्वयं पिछड़ा विरोधी हैं, वह तो विशेष जाति के समर्थक हैं, तुष्टिकरण करने वाले हैं, अपराधियों के समर्थक हैं, तो उनके इस बयान को जनता जानती है। और ओबीसी आरक्षण पर अखिलेश का बड़ा बयान सामने आया है, उसे बीजेपी की हार में आरक्षण की जीत है, ये उन्होंने ट्वीट किया है। अखिलेश यादव का ये ट्वीट जो अपने आप में बेहद अहम है, मौजूदा वक्त में जिस तरह से ओबीसी आरक्षण पर सियासत तेज है, बीजेपी की हार में आरक्षण की जीत है, ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। ओबीसी आरक्षण मामले पर भाजपा हटाओ आरक्षण बचाओ, अखिलेश यादव ने आगे ये भी कहा है। लेकिन ये ट्वीट बहुत महत्वपूर्ण, अब उत्तर प्रदेश न सिर्फ बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए होने जा रहा है, जिसमें अखिलेश ने बीजेपी की हार में आरक्षण की जीत है, ये साफ संकेत कि आने वाले चुनावों में बीजेपी को हराना होगा, ये तेवर अखिलेश यादव के इस ट्वीट से झलकते हैं। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।